वीर्य को गाढ़ा करता है ये नुस्खा, वीर्य को बनाता है, इस परम को बढ़ाता है और कुव्वत बाह में बहुत ज़्यादा इजाफा करता है। अजहरी दवाखाने की जानिब से मैं हूँ हकीम मोहम्मद रिजवान। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। प्यारे दोस्तों, आज का नुस्खा उन लोगों के लिए है जो मर्दाना ताकत के मरीज़ हैं, यानी उनको मर्दाना ताकत ख़त्म हो चुकी है और कमज़ोरी लाहिक हो चुकी है। तो अगर आप किसी अच्छे हकीम से रابطہ नहीं कर सकते, आपके पास कोई नहीं है और आप घर पे ही नुस्खा बना के इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आज हम आपको घरेलू नुस्खा बताई देते हैं। इसको आप नोट करें। आपको जो बबूल का पेड़ होता है उसकी कच्ची फलियां लेनी हैं जिसमें अभी बीज ना पड़े हों, 50 ग्राम। उसकी नरम नरम पत्तियां भी 50 ग्राम ले लें, जो बिल्कुल बारीक बारीक पत्तियां हों, और गोंद भी बबूल का 50 ग्राम लें। तीनों चीज़ें बबूल की ही होनी चाहिए। इनको साए में आप खुश्क कर लें और जब खुश्क हो जाए तो आप इसको बारीक करके पाउडर की शक्ल में तैयार कर लें। उसके बाद 150 ग्राम मिश्री लें आप। 150 ग्राम इसकी तैयार ये दवाई है, 50-50 ग्राम तीनों चीज़ें। तो इन दवाओं के वज़न के बराबर ही आप जो है मिश्री लें, कूजा, उसको पीस कर इसमें शामिल कर लें और सुबह और शाम आपको 8-8 माशा गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करना है। आप यकीन मानिए, धात जैसी ख़तरनाक बीमारी के लिए भी अच्छा है, वीर्य को बढ़ाने के लिए, क़ुव्वत बाह में इजाफ़ा करने के लिए बहुत ख़ास है। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है और आप परेशानी में मुबतला हैं और आप इलाज करवाते करवाते थक चुके हैं, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके अपनी परेशानी का हल निकाल सकते हैं। इंशाल्लाह हमारे यहाँ तमाम ही अमराज का इलाज 100% देसी जड़ी बूटियों से ही किया जाता है।